हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ द डिफेंसिव इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिसाइल के बारे में जो आजकल न्यूज में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हाल ही में उसका टेस्ट भी किया गया था और इस मिसाइल का नाम है नाग मिसाइल। इस मिसाइल का नाम अभी बदल कर ध्रुवास्त्र मिसाइल रखा गया है। तो आइए इस मिसाइल के बारे में जानते हैं और देखते हैं क्या खूबी है इस मिसाइल की। नाग मिसाइल एक लैंड अटैक वर्जन है, इसे हम ATGM भी बोल सकते हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल। ये इंडिया का थर्ड जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगॉट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल की सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी 90% है और अगर इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात किया जाए तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर टू 20 किलोमीटर है। यह एक 10 ईयर मेंटेनेंस फ्री सेल्फ लाइफ मिसाइल है, मतलब इसे 10 साल तक किसी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मिसाइल के वेरिएंट्स की बात की जाए तो इस मिसाइल के 5 वर्जन हैं, लैंड वर्जन, हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन जिसे हम लोग हेलिना बोलते हैं, मैन पोर्टेबल वर्जन जिसे MP-ATGM कहते हैं, एयर लॉन्च वर्जन और नाग मिसाइल कैरियर वर्जन जिसको NAMICA नमिका बोलते हैं। नमिका टैंक बस्टर का भी काम करता है और इसे मॉडिफाई किया गया था BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए। अगर इस मिसाइल के कॉस्ट को लेकर बात करें तो इस मिसाइल का कॉस्ट 3.2 करोड़ पर यूनिट पड़ता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसका डायमीटर 0.20 मीटर है और इसकी लेंथ 1.85 मीटर है और ये मिसाइल 8 kg का वार हेड कैरी करने में सक्षम है। जहाँ तक बात है इसके इंजन को लेकर तो इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बस्टर एंड सस्टेनर मोटर का इंजन लगा है। इस मिसाइल का विंग स्पैन 0.4 मीटर है जिसे 16 इंच भी कह सकते हैं हम लोग। इस मिसाइल का मैक्सिमम स्पीड 230 मीटर पर सेकेंड है जिसे 828 किलोमीटर पर आवर भी कहा जा सकता है। अगर इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म को लेकर बात करें तो एरियल प्लेटफॉर्म पे हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन में हेल रुद्रा और हेल LCH लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसे लॉन्च करने में सक्षम है। अब बात करते हैं इस मिसाइल के डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के बारे में। यह मिसाइल कोई नया मिसाइल नहीं है, इसका डेवलपमेंट 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर स्टार्ट हुआ था। 1990 में इसका फर्स्ट टेस्ट हुआ लेकिन यह मिसाइल का डेवलपमेंट डिले कर दिया गया क्योंकि IIR बेस्ड गाइडेंस सिस्टम में कुछ खराबी आ रही थी, कुछ एरर आ रहा था। उसके बाद 1997 में सितंबर के महीने में इसे सक्सेसफुल टेस्ट किया गया, फिर जनवरी 2000 में इसका टेस्ट किया गया, फिर 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अलाउंस मिला और इसका फुल स्केल प्रोडक्शन 2001 के अर्ली फेज में स्टार्ट हुआ। इस दौरान इस मिसाइल का लगातार सक्सेसफुल टेस्ट होता रहा जिसमें अगस्त 2008 टेस्ट रेंज ऑफ पोखरण में राजस्थान में इसका टेस्ट हुआ, फिर नमिका मिसाइल जो इसका करियर बस्टर वर्जन है जिसे टैंक बस्टर भी कहा जाता है उसका 8 अगस्त 2008 में टेस्टिंग हुआ इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में। उसके बाद फिर जनवरी 2010 और तब से ये मिसाइल हमारे सर्विस में इंडक्टेड है और लगातार इसकी टेस्टिंग की जा रही है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जिसे मैंने इस तरह रिकॉर्ड किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कहीं भी खामी नज़र आए तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमें समझ आएगा कहाँ हमारी मिस्टेक है, कहाँ हमारी खामी है, कहाँ हमें और इम्प्रूव करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।